रहे हो भाई माशाल्लाह से यार। ये मोर जो है ना बहुत कम खाते हैं फीट, बहुत कम जिसे कहते हैं। उसके अलावा इनको फालतू चीज़ देते रहो, अंडे की जर्दी वगैरह ये सब चीज़ें खा लेते हैं ये, लेकिन ये फीट मैंने पर्सनली नोट करना है ना भाई, इन्हीं को शिफ्ट करना है ना, तो उसके बाद जो है ना ये पूरी जगह जिसे कहते हैं साफ़ हो जाएगी। अभी यहाँ पे ज़रा पेंट वेंट का काम जो रिमेनिंग काम रहता है ना उस काम को फिर हम ऐसा ऐसा निपटा के फिर चूज़ों की सेटिंग करेंगे। तो चले भाई चूज़े क्यों भरे और क्या वजह बनी है, और अब माशाल्लाह देख रहा हूँ कितना भरपूर लग रहा है। मैंने आपको बताया था माशाल्लाह भाई, कमेंट में ज़रूर कर देना कि जब आपका खेत तैयार होता है, आपकी फसल तैयार होती है, ये हमारी फसल ही ना देखा जाए तो हम तो फार्मर हैं, हम इसको हार्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो उस हिसाब से। अच्छा भाई, कल की वीडियो में आप लोगों को कहा था कि ना क्या कहते हैं वहाँ जाके डिटेल देंगे आगे चल के, और घर चल के देनी थी, पर हम खुद जाके घर जाके सो गए, क्योंकि भाई मैंने तो भाई सर सलाम करते हैं आपको, कैसे आप खैरियत से? सर मैंने बुकिंग के यकीन करें, मैंने आपको सिर्फ बताया ना, फैज ने बोला था कि 500 से एक्स्ट्रा चूज़ा होगा, 500 से एक्स्ट्रा चूज़ा था हमारा, लेकिन चूज़ा शॉर्ट था। अब क्या कर सकते हैं, अब जिसको हमने एक को 50 देना था उसको मैं 3500 दूंगा नहीं। मैंने कहा सिस्टर इतनी देर हो गई है वहाँ, मैंने आपको एक चीज़ और दिखा दें, और वो ये कि भाई मेरी एक दोस्ती हो गई है इस चूज़े से, और अब हम दोनों दिनों फारिग बैठे बैठे मैंने उसको अपने मसले सुनाए, और अब हम दोनों दिनों पक्के वाले दोस्त बन चुके हैं। मैं जहाँ जाऊँगा मेरे पीछे पीछे आपको दिखता रहेगा। ये कहाँ से शुरू करी थी हमने? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज ही दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे भाई, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आजकल जो है ना, आज की जो वीडियो है वो सिर्फ एक अपडेट वीडियो है, और इस सेंस में कि बेसिकली आज काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। आज काम जो है ना, आज काम बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो ना इन चीज़ों को मैंने ऐसे शिफ्ट कराना है आज, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आज की तारीख में ये वाला काम करेंगे। दूसरा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे मुर्गे को वैसे ही बाहर निकालती थोड़ी देर के लिए, मैं इसको जरा पाँव उसके गंदे हो रहे थे, नीचे गंदगी हो रही है कि इसकी सफाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको बाहर घूमने देते हैं, उसके बाद जो ना आगे की अपडेट देते हैं। बाकी दूसरा काम यार ये सोचा है, आज की तारीख में या कल की डेट में ये जो मुर्गियाँ हैं ना इनको यहाँ से मैं निकाल दूँगा। उसकी वजह सारी पता ही क्या है, उसकी वजह ये है कि इस पूरी की पूरी जगह पर भाई एक बड़ा केज बनाएंगे, बनाएंगे क्या बना हुआ है, और क्या कहते हैं इस केज के ऊपर जो है ना बेसिकली मैंने अब यहाँ पे मोर की सेटिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है अच्छा सीन हो जाएगा। यानी कि जो टर्की के चिक्स हैं जो मोर के हैं ना, उन सबको फिर इधर शिफ्ट कर देंगे, और मोर क्या होता है एक दो और बाइल कर लें अगर, देखता हूँ यहाँ पे उनको मोर को घूमने में हल्का सा मसला होगा, लेकिन छोटा लेंगे, जब बड़ा होगा तो इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ने चाहा तो कोई और जगह मिल जाएगी हमें। तो अभी एक काम करते हैं, मैं आपको ज़रा दिखा दूँ मुर्गियों की हालत है, बल्कि मुर्गियाँ पानी पी रही हैं, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैंने कहा ज़रा उसको पकड़ के इसके पाँव साफ कर लें बेचारे के, पड़ा था ना गंदे गंदे बुरे लग रहे थे मुझे। खैर आपको ज़रा अपने मोर के चूज़े की लुक दिखाएं, और एक मिनट यार मुझे डर लगता है ये एकदम जो ना भाग जाता है, तो इसीलिए इसको दो मिनट ही छोड़ देते हैं भाई, दो मिनट ज़रा ये रुको, मोर का बच्चा देख रहे हैं अपना। एक मिनट क्या करूँ उसका, इसका मैंने पाँव बांधने की कोशिश करिए, पाँव दो मिनट में खोल लेता है, चलिए नायलॉन की रस्सी इसलिए खोल लेता है। छोड़े आपको ज़रा वो दिखाते हैं पहले। हाँ जी भाई, तो दिखाते हैं ज़रा आपको हमारा सिंगल मोर का बच्चा, जो एक टाइम से माशाल्लाह से इसी में ही है, और इसके लिए तो ना मैं सोचा था कि बड़े घर की सेटिंग करेंगे, तो बड़े घर की सेटिंग जो मुझे समझ में आई ना वो यही वाली आई जो मैंने आपको जरा अभी दिखाई ना, कि वहीं पर ही हम टर्की के चिक्स रखेंगे और वहीं पर ही हम इस मोर के चूज़े को रेयर करेंगे। तो और इसके साथ एक दो और ले आएंगे, दिखाओ ज़रा इधर आओ। अच्छा देख रहे हो भाई माशाल्लाह से यार, ये मोर जो है ना बहुत कम खाते हैं फीट, बहुत कम जिसे कहते हैं। उसके अलावा इनको फालतू चीज़ देते रहो, अंडे की जर्दी वगैरह ये सब चीज़ें खा लेते हैं ये, लेकिन ये फीड मैंने पर्सनली नोट किया बहुत जिन्हें जिसे कहते हैं कम खाते हैं, और बहुत जिसे कहते हैं बाकी के कंपैरिजन में तो ना चीज़ें भी, मैं जब भी नोट करता हूँ ना कि चीज़ें भी इन पर यही नोट करा है मैंने, कुछ भी इनको डाल दो ये जो है ना ज़्यादा टाइम पास ही कर रहे होते हैं, और उससे जो ना हल्की फुल्की चीज़ें खा रहे होते हैं। खैर इस मुर्गे को बंद करते हैं, और पहले इनकी शिफ्टिंग का काम कंप्लीट करते हैं, इंशाल्लाह ताला फिर अगर टाइम बचा तो फिर उस तरफ जाएंगे, वरना फिर इस काम को रखेंगे हम बाद में। मैं आपको इंतजार करा दूँ चूज़ों का, कौन से चूज़ों को शिफ्ट करना है हमने। भैया मैं कहा भाई तू मेरे साथ आ जा, तेरे लिए भी इजी हो जाएगा, मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, इससे पहले तो ना गुजारा करे कोई बैठ हो जाए। तो भाई ये हैं बेसिकली चूज़े जिनको जो ना हमने आज की डेट में शिफ्ट करना है ना भाई, इन्हीं को शिफ्ट करना है ना, तो उसके बाद जो है ना ये पूरी जगह जिसे कहते हैं साफ़ हो जाएगी। अभी यहाँ पे ज़रा पेंट वेंट का काम जो रिमेनिंग काम रहता है ना उस काम को फिर हम ऐसा ऐसा निपटा के फिर चूज़ों की सेटिंग करेंगे। तो चले भाई ज़रा इनको पकड़ के शिफ्ट करना शुरू करते हैं, उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं, आगे की आपको कहानी सुनाएंगे क्या प्लान है क्या सीन है, और अभी जो है ना बस ये छोटी सी मैंने आपको हल्की सी अपडेट देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चले आगे चलते हैं, इसको अपने घर में वापसी बंद कर देते हैं सफाई करके, उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे। कोको कोको। अच्छा भाई आपको जैसे कि बताया था कि चूज़े शिफ्ट करने, तो अब फाइनली दूसरी जगह पर आ गए हैं, और ये देख रहे हो रेप्लिका, हमारे एरिया में इतने लोग रेप्लिका लेके घूम रहे हैं, 12-12, 13-13 लाख रुपए की बाइक्स, रेप्लिका बाइक्स देखने में अच्छी भी लगती हैं, और जब इनकी आवाज़ सुनो तो फ़ौरन ही कान खड़े हो जाते हैं, यार ये क्या लेके घूम रहे हैं। तो चूज़े आ गए, गेट नीचे आ गए, उनको जल्दी जल्दी नीचे शिफ्ट करते हैं, उसके बाद आपको अभी अपडेट देते हैं। और नीचे करूँ क्या? तो पहले यार गेट में आपको दिखाऊँ, जरा नीचे रखे हुए हैं, यकीन करें मुझे ऊपर से नहीं दिख रहा, इतना अंधेरा हो रहा है, लेकिन कैमरे की वजह से कुछ इजी है। नीचे करूं
क्या करूं, नीचे करूं ऊपर? ऊपर ले लूं? अच्छा भाई, क्या कहते हैं, क्रेट ऊपर आ गए थे और अब दोनों सारे को चूज़ों की शिफ्टिंग शुरू करनी है। माशाल्लाह साहब, देख रहे हो ना कितना ज़्यादा चूज़ा हो गया है। यानी कि मैंने काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर चूज़ा भरपूर किया है, वरना तो समझ लें कि पिछले 3-4 महीने से हमने फार्मिंग स्लो की हुई थी। मैंने दो इंटेंशन बनाई थी, मैंने कहा था या तो मैं फार्मिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँगा और साथ में एक बंदा ऐड करूँगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं फार्मिंग को कम करूँगा और बंदा ऐड नहीं करूँगा और चीज़ों को लिख के चलता रहूँगा। यानी कि दो ऑप्शन थे ना, अगर मैं बंदा रखता हूँ अपने पास कोई, फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये काम करने के लिए, तो मुझे एक्स्ट्रा उसको पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करने के मुझे एक्स्ट्रा काम बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इस जगह के ऊपर देना, पता है क्या, मेरा काम बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, ये नॉर्मल फार्म की तरह नहीं है, ये दो जगह पर डिवाइडेड है। अब बंदा जो होता है ना वो उल्टा मुझे तंग करता है बजाय मेरा काम करने के। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं कोई एम्प्लॉय हायर या कोई लेबर हायर करूं, उससे बेटर है कि यार मैं काम कम कर लूं ताकि मैं कंटेंट पे फोकस कर सकूं। क्योंकि जितना मेंटल एनर्जी वो एक लेबर आपकी दिमाग की ले जाती है ना, उससे ज़्यादा अच्छा था कि मैं अपनी एनर्जी बचाऊं दिमाग की, और जब अल्लाह मुझे कोई बड़ी जगह देगा तब मैं उसको देना क्या कहते हैं बंदा शंदा रखूँगा, कोई लेबर का प्रॉपर सेटअप बनाऊंगा। खैर, अल्लाह का शुक्र है एक्सपीरियंस अच्छा रहा और चीज़ें मैनेज रहीं, कंट्रोल रहीं, और जो पैसे मैंने यहाँ से फार्मिंग कम करके कमाए थे वो अल्लाह का शुक्र है कंटेंट क्रिएशन से बन रहे हैं। तो मैं छोटा सा आपको अपडेट दे दूँ कि इतने दिनों बाद चीज़ें क्यों भरें और क्या वजह बनी है, और अब माशाल्लाह देख रहा हूँ कितना भरपूर फूल लग रहा है। मैंने आपको बताया था ना, माशाल्लाह भी कमेंट में ज़रूर कर देना कि जब आपका खेत तैयार होता है, आपकी फसल तैयार होती है, ये हमारी फसल ही है ना देखा जाए तो, हम तो फार्मर हैं, हम इसको हार्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो उस हिसाब से कितना ज़्यादा खूबसूरत ये व्यू लग रहा है। और माशाल्लाह से सारे चीज़ जिसे कहते हैं ना परफेक्ट लग रहे हैं, और कैमरा क्वालिटी भी इतनी अच्छी हो गई है ना, तो थोड़ी सी कहानी और अच्छी हो गई है। तो माशाल्लाह ज़रूर कहेगा और चीज़ों को देना समझता रहेगा इंशाल्लाह, तो आपको भी आगे भी अपडेट मिलती रहेगी। और सारे के साथ चीज़ों में शिफ्ट कर दिया और फीड भी इनको मैंने डाल दी। अब चलें आगे चल के बात। अच्छा यार, शिफ्टिंग हो गई है और मेरी भी बस हो गई है। अच्छा जी, अब जो सिचुएशन है ना वो ये है कि भाई टर्की के चिक्स मैंने यहाँ से उठा के ले गया, उनको मैंने शिफ्ट कर दिया घर पे, सिर्फ एक टर्की रह गया, वो भी इसलिए कि वो पीछे छुप के बैठा हुआ है, और अगली दफ़ा मैं आऊँगा तो उसको मैं उठा के ले जाऊँगा। यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स हैं जो करने वाली हैं, मैंने कहा आपको बता दूँ, बहुत ज़रूरी हो रही है। कि देखिए, इस जगह के ऊपर तो चूज़े हैं ना वो पता है कितने हैं, वो इतने हैं कि सपोज़ कर लेते ना कि जैसे कि ये 10 बाई कितने की जगह है, ये 10x20 की जगह है, ठीक है ना, 10x20 की जगह ये। तो यहाँ पर जो चूज़े हैं ना वो कम से कम मैं आपको बताऊँ 40x70 के चूज़े हैं, यानी कि इतनी बड़ी जगह के जो एक्चुअल इसकी स्पेस है वहाँ से 4 times ज़्यादा चिक्स हैं यहाँ पे। अब उसका मसला सबसे ज़्यादा क्या है कि थोड़ी सी सफोकेशन मुझे भी महसूस हो रही है, यानी कि मुझे कुछ भी देना सांस लेने में अभी मसला महसूस हो रहा है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अब करना ये है कि भाई कल की डेट में इंशाल्लाह 2 fans वहाँ पर लगा दूंगा मैं, और एक एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे लगा दूँगा। एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे पहले का लगा हुआ है पर वो ख़राब हो गया था, तो अब मुझे ये सब करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज जो है ना सफोकेशन से इनको भी सांस के मसले होंगे, और मैं बताऊँ ना भाई मेरे भी हालत बहुत टाइट हो गई है। तो बेहतर यही है पहले इनका अला काम कर दें, उसके बाद कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो ये एक छोटा सा काम था, मैंने कहा आपको अपडेट दें किस तरीके से करना है, क्या हिसाब किताब है। सारे चूज़ों को अच्छे से शिफ्ट कर दिए, फीड भी डाल दिए, और किसी के पास फीड ख़त्म हुई क्या, इनके पास फीड ख़त्म हो गई, इनको थोड़ी फीड और डाल देते हैं कि बस कल तक की हो जाए, क्योंकि इनको मैं एक टाइम फीड डाल रहा हूँ। आजकल मैंने आपको बताया था, ये देखें, आप कहते हैं ना कि चूज़े छोटे हैं बड़े नहीं हो रहे, वो एक छोटा सा चूज़ा था भाग गया, वो इतना छोटा है, और यहाँ पे कुछ चूज़े 400-500 ग्राम के चूज़े भी हैं। तो चूज़े यही होता है कि कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे ना आप लोगों के यहाँ सब बराबर तो नहीं होता ना, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। तो खैर, शिफ्टिंग वाला काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं घर की तरफ और वहाँ पे चल के बस वीडियो को एंड कर देते हैं। सही है ना, क्योंकि मैंने एक काम और था पर वो हो नहीं पाया आज की तारीख में, तो उसको डिले करते हैं इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे कल डिटेल में। सही है। अच्छा भाई, कल की वीडियो में आप लोगों को कहा था कि दोनों क्या कहते हैं वहाँ जाके डिटेल देंगे आगे चल के, और घर चल के देनी थी पर हम खुद जाके घर जाके सो गए, क्योंकि भाई मैंने तो भाई सर सलाम करते हैं आपको, कैसे आप खैरियत से हैं सर? मैंने तो डेली अपलोड बंद कर दिया, 2-4 छोटे मोटे और काम है। आजकल आप इलेक्ट्रिशियन भी बने हुए हो, सब चीज़ें कर रहे हो, मुझे तो लग रहा है भाई पेंटर भी बनने वाले हैं। नहीं नहीं, पेंटर भी सारा काम खुद ही है, तो भाई मैंने कहा कंटेंट देना पावरफुल हो जाए ज़्यादा अच्छा है। तो कल की वीडियो थोड़ी पीकी हो रही थी, आज की वीडियो कंबाइन कर दी है। अभी जो प्लान है ना, अभी कितना छोटा डिलीवर करना है? अभी हमारा माशाल्लाह से 500+ चूज़ा है। 500+ है, जैसी क्वांटिटी कंफर्म होती है ना फिर दिखाते हैं। और भाई जो पहले बात कही थी ना हमने, 1.5 महीने से कह रहे थे कि मुहर्रम में रेट बढ़ेगा, और फाइनली रेट बढ़ चुका है। अल्लाह का सर जी, कितना हो गया आज का रेट? आज माशाल्लाह से 340 फाइनल हुए, बाकी ये कि अब जो है ना हिसाब किताब अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, 340 आज फाइनलाइज हुआ, ये बताओ 10 दिन पहले तुमने कितने में सेल किया था? 240 में। तकरीबन 100 रुपए का फर्क आ गया पर केजी, और अगर तुम्हारा माल आज तैयार होता तो फायदा ही होता। यार देखें, अल्लाह मालिक है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ ना लोगों के लिए, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली रेट गिरा है। हाँ। अब एक्सपेक्टेशन है कि रेट जो है ना अब बेहतरी की तरफ आया है, अभी भी ऊपर नहीं गया, अब बेहतरी की तरफ आया है। तो हो सकता है, उम्मीद यही है कि भाई चैलम तक, हो सकता है चैलम रबीओबल में ऐसा सीन हो जाए कि जैसे 400 के अराउंड जो है वो इसके आसपास रेट आ जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। इंशाल्लाह देखें, हो जाता है, क्योंकि अच्छा खासा लंबा ब्रेक हो चुका है, और अच्छा खासा लंबा जिसे कहते हैं ना वो नुकसान लोगों को हो चुका है।
सरप्राइज कौन सा वाला? एक सरप्राइज आ रहा है यार। हाँ हाँ भाई, ब्रॉयलर शेड में एक सरप्राइज आ रहा है, मैंने बता दिया वैसे वीडियो में लगा था, लेकिन अब देखते हैं किसने वीडियो देखी नहीं देगी। लेकिन मैंने देखा था एक छोटे सा देना, मैंने हिंट दे दी है लोगों को, देखते हैं वो क्या करना है। चले भाई चूजे का वेट करते हैं, उसके बाद आपको चल के अपडेट देते हैं। और दूसरी चीज, चूजे का रेट भी अब बढ़ने वाला है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि देना माल का रेट बढ़ गया तो चूजे भी बढ़ेगा। भाई हैचरी में आ गए हैं और अभी जो है ना प्लास्टिक के जो डब्बे रखे हैं ना, ठीक है, चूजा किसी और का है, और ये प्लास्टिक के डब्बों से देना फिलहाल गत्तों के डब्बों में चूजा शिफ्ट कर दें, ताकि फिर आगे जो ना ट्रांसपोर्ट किया जाए। जो उनका बड़ा हैच होता है ना, उनको तो प्लास्टिक के डब्बों में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जिनका 5,000-10,000 हो, लेकिन जैसे हमारी क्वांटिटी कम है ना, तो फिर हमें ये है कि हम लोग गत्ते के डब्बों में लेके जाएंगे, क्योंकि हम वापसी तो ला नहीं सकते, तो एक मसला बनेगा। तो इसलिए आप देख रहे हो गत्ते के डब्बों में सारा का सारा चूजा फैल पे कन्वर्ट कर रहे हैं, और 550 का सोचा था, लेकिन चूजा कम हो रहा, तो तकरीबन 500 के करीब चूजा है समझ लें। तो फिलहाल थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना वो शॉर्ट हो रहा है, इस वजह से उसको फिलहाल इतना ही रखेंगे, और उसके बाद जो ना फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं। तो चलें आगे चलते हैं, और आगे चल के फिर जो ना आप आगे की कहानी सुनाएंगे। चूजा जो है ना सारा का सारा दूसरे डब्बों में ट्रांसपोर्ट कर दिया है हमने, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, इसलिए तो आज हम अंदर बैठे हैं, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पे बेसिकली सेक्सिंग होती है, सेक्सिंग कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे वो होती है वैक्सीन होती है, ग्रेडिंग होती है और वैक्सीन होती है। इन डब्बों में आप देख रहे हो एग्स आते हैं, और उसके अलावा यानी कि इन डब्बों के अंदर पैक होकर आते हैं एग्स, और उसके अलावा आपको दिखाता हूँ वैक्सीन भी शायद पड़ी हो यहाँ पे, वैक्सीन नहीं पड़ी हुई, इनकी छालियाँ वगैरह पड़ी हुई है, एक मिनट वैक्सीन पड़ी हुई है इधर ही कहीं, दोनों वैक्सीन पड़ी हुई थी। तो बेसिकली जो वैक्सीन वगैरह होती है ना, वो भी इसी रूम में होती है। मैं ज़रा देखूँ आपको, ये डिस्कार्टेड चूज़ा है, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी फार्मर को नहीं जाएगा, ये बेसिकली डिस्कार्ड होगा ये। अब डिस्कार्ड कैसे होगा वो आप लोगों को बेहतर पता है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा, अगर आप लोगों को भी पता ही नहीं पता। तो अब सिचुएशन ये है, तो थोड़ा इंतजार करेंगे। दिखाने का मकसद ये था कि भाई आप लोग कहते हैं चूज़ा रख लें बाद में दे देगा, यार अभी देख रहे हो कितने फ़ैन चल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, उसके अलावा 2 चिलर हैं, 1 एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट फैन ये वाला नहीं, दूसरा वाला एग्जॉस्ट फैन जो वहाँ पे लगा हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं सिर्फ और सिर्फ किस लिए सर? चूज़े के लिए। अब हम जो थे ना, अब लोग क्या कहते हैं ना, लोग कहते हैं आप सुजुकी में उसमें डाल के भेज दो, बाइक पे भेज दो, किसी चीज़ पे भेज दो, यार इतना महंगा चूज़ा, अगर 300 चूज़ा किसी का है और कह रहा है मुझे बाइक पे भेज दो, 300 चूज़ा 30,000 रुपये का एक चूज़ा, एक मोटी मोटी बात है, 36,000 रुपये 35,000 का चूज़ा। ये बताओ आप ये किसके ज़िम्मेदारी है, हमारे का हमारे ज़िम्मे, हमारे ज़िम्मे, और बैठ के इंतजार करना है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने बहस करके फैसला किया है कि भाई थोड़ा सा चूज़ा एक्स्ट्रा देखें, हमारे अपने ऊपर नहीं होता, कभी कभी हो जाए तो अलग बात है, तो हमने सिर्फ सोचा ये है कि भाई अभी लड़ झगड़ के थोड़ा चूज़ा हमें एक्स्ट्रा मिल गया है, 35 चूज़ा, तो भी वो 35 चूज़ा हम सब में डिवाइड कर देंगे, ताकि हर बंदे को थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाए। तो जिसके अभी उस वक्त मिलेगा जब रेट कम हो, नहीं जब अवेलेबल होगा ना, देखो जब हैचरी में अवेलेबल है, जैसे कि अभी हमसे पहले 58,000 चूज़ा निकला है, अभी मैंने भाई से पूछा, एक ही बंदे का निकला है, तो 35 चूज़ा 22 लाख हमारे लिए बच गया, तो हमने कहा हम फ्री में लेके जाएंगे। तो पहले ही आपको बता दूं कि भाई एक्स्ट्रा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है ना बुकिंग के यकीन करें, मैंने आपको बताया ना, फैज ने बोला था कि 500 से एक्स्ट्रा चूज़ा होगा, 500 से एक्स्ट्रा चूज़ा था हमारा, लेकिन चूज़ा शॉर्ट था, अब क्या कर सकते हैं। अब जिसको हमने 1 को 50 देना था उसको मैं 35 तो दूंगा नहीं, मैं कहा अच्छा 35 बांट देते हैं फिलहाल, बाद में इंशाल्लाह रख लेंगे, क्योंकि ये काम जो है ना असल सिर्फ मार्केटिंग पर्पज़ से हम लोग कर रहे हैं, कमा भी इंशाल्लाह लेंगे अभी नहीं तो बाद में, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ समझ लें शेड से, अभी सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए, आप लोगों की गाइडलाइन के लिए, और थोड़ा बहुत देना कि बस काम चलता रहे, इससे मोस्टली खर्चा निकलता है, कोई खास बड़े छक्के नहीं लगते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अच्छे पैसे बच जाते हैं, अल्लाह का बस करना है, जो भी अल्लाह का सबर शुक्र है। तो चलें भाई आगे चलते हैं, उसके बाद चूज़ा डिलीवर करके आपको आगे अपडेट सुनाएंगे। हाँ इतनी देर हो गई है, वहाँ मैंने आपको एक चीज़ और दिखा दें, और वो ये है कि भाई मेरी एक दोस्ती हो गई है इस चूज़े से, और अब हम दोनों दिन फारिग बैठे बैठे मैंने उसको अपने मसले सुनाए, और अब हम दोनों दिन पक्के वाले दोस्त बन चुके हैं, मैं जहाँ जाऊँगा मेरे पीछे पीछे आपको दिखता रहेगा ये, कहाँ से शुरू करी थी हमने लाइन, लेकिन देखा जैसे कहते हैं पक्के दोस्त, कितने चूज़े हैं टोटल 500 के करीब चूज़े हैं ये, लेकिन उसमें से सिर्फ जो एक दोस्त बना ना वो ये बना है, आ जाओ दोस्त सर, आ जाओ तुम मेरे पास आके बैठो, देख रहे हो सिर्फ एक ये दोस्त बना है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, पहले दिखा रहा हूँ, आ जाओ, बोल रहे आपके ड्राइवर के पास में यार, देख रहे हो कितना प्यारा चूज़ा है। तो भाई फारिग बैठे बैठे तो ना बंदे का कंपेरिजन नहीं होता, उसका कुछ भी ख़राब हो सकता है, इसलिए मसरूफ ना करें। फाइनली हमारा चूज़ा जा रहा है, फैज भाई गाड़ी में रख रहे हैं, मैं 500 रखवा रहा हूँ, 200 मैं घर पे निकाल लूँगा, ठीक है ना, दोबारा से इधर आओ, ज़रा लाइट में आओ। अच्छा भाई, भाई आ गए हैं दोबारा से, और अगर याद हो तो पिछली दफ़ा मैं कल से तकरीबन महीना सवा महीना पहले ना, महीना सवा महीना पहले हमसे चूज़ा लेके गए थे, माशाल्लाह से मैंने कहा था 13 साल का बंदा फार्मर ब्रॉयलर का, और माशाल्लाह से आज चूज़ा पल गया भाई, 200 पाले थे, कितने बचे? माशाल्लाह से मोर्टैलिटी 200 की 200 है, यानी कि मोर्टैलिटी हुई इनके पास 8-10 चूज़ों की, लेकिन वो हमने एक्स्ट्रा दिया था तो वो वहीं के वहीं खड़ी हुई है, मेरा चूज़ा 200 की 200 अभी तक वहीं के वहीं, वहीं के वहीं। अच्छा ये बताओ कितने फीट के बैग खाए अभी तक? फीट के बैग हमारे 8 लग गए, 8 बैग के 8 लग गए भाई। अच्छा जी भाई तकरीबन 8 के करीब बैग खिलाएं, उसकी वजह पता है क्या कि फाइनल दिन अभी बस माल बेचने वाला है और एंड हो रहा है, तो उस टाइम पे तो छोटा माल भी चल जाएगा, और अभी रेट क्या मिल रहा है मार्केट में? मार्केट में अभी 350।
350 रुपये मिल रहा है, दुकान को डायरेक्ट बेच रहे हैं भाई। मैंने आपको लास्ट टाइम पहले भी कहा था कि आरती के बजाय का डायरेक्ट किसी दुकान से लिंक कर लेना, इस बंदे की दुकान है, ये खरीद लेना हमसे, तो सबसे इतना अच्छा हो जाएगा और माल भी इतना अच्छे तरीके से निकलेगा। पहुंचने पहुंचने तक मैं आधा हो जाऊंगा। नहीं, वो तो बात बताना भाई, भाई की लोकेशन देना, लांडी के साइड पर है ना, लांडी बाबर मार्केट, लांडी बाबर मार्केट है। उसके अलावा माशाल्लाह से लास्ट टाइम 200 लिए थे और इस दफा देना 300 लिए, तो उम्मीद करते हैं भाई भाई का एक्सपीरियंस अच्छा रहे और चीज़ें देना बहुत ज़्यादा कंट्रोल लें। ठीक है, देना यूट्यूब चैनल भी हमने पहले ही बता दिया, तब दोबारा बता देंगे, लिंक आपको मिल जाएगा उसका। तो बस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देता हूं, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई हमसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़, और हमने अपने फार्मिंग कोर्स में बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें अच्छे से गाइड करी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगेन ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कोर्स लेना चाहते हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसमें हमारी कंसल्टेशन भी साथ में इंक्लूड है। तो ऐसे बातें भाई भी ने हमारा कोर्स बाय किया हुआ, तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने अलग अलग से सिखाई हैं। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।